मसूरी में मुख्य चौराहे से अनधिकारित रूप से हो रहा टैक्सी स्कूटियों का संचालन जाम की समस्या के साथ लोगों के लिए बन रहा सिरदर्द। मसूरी में इन दिनों टैक्सी स्कूटी संचालकों द्वारा गांधी चौक सहित माल रोड और पिक्चर पैलेस चौक पर सड़क में की जा रही पार्किंग को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इसके कारण लगातार जाम भी लग रहा है। हाँ, ये आज टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों से आगामी सीजन के संबंध में वार्ता हुई है और इस वार्ता में एक्चुअली कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ टैक्सी और ये पब्लिक व्हीकल्स अनऑथराइज तरीके से खड़े हो रहे हैं, जिससे रोड जाम इत्यादि की समस्या आती है या जिससे यात्रियों को या यहाँ आने वाले टूरिस्टों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस संबंध में वार्ता की गई तो उसमें टैक्सी यूनियन द्वारा अपने सुझाव रखे गए हैं और कुछ हमारी तरफ से उनको सुझाव दिए गए हैं और आने वाले समय में जो सुझाव हमारे पास आए हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। मैंने कोतवाल साहब से मीटिंग की, आगामी जो अब थोड़ा भीड़ भी होने वाली है, होली में भी काफ़ी अच्छी भीड़ होगी। मेन पॉइंट था कि लाइब्रेरी चौक में हमारे लिए भी समस्या, पुलिस के लिए भी हमेशा समस्या रहती, क्योंकि हमारे कोई टैक्सी वाले भी स्कूटी वाले ये वहीं पे चौक पे लगा के रखते हैं गाड़ी, जो कि बिल्कुल अनऑथराइज पार्किंग भी है और लोग वहाँ पे जो टूरिस्ट को भी परेशान करते हैं, कई लोग उल्टा सीधे रेट लेते हैं, ताकि इससे यह है कि हमारे टूरिस्ट पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है कि रेट भी उल्टे सीधे लेते हैं। क्योंकि मैंने तो यूनियन में सब जगह पर चार्ट लगे हुए, चार्ट में सब जगह लिखा हुआ है फिक्स रेट है, फिक्स टाइमिंग है, और ये वहाँ पे सवारी से एक तो टूरिस्ट से चीटिंग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब जो भी टूरिस्ट आए वो नीचे हमारे ऑफिस में आए, वहाँ टैक्सी यूनियन से गाड़ियाँ ले और उनको भी हमारा अच्छा मैसेज जाए कि मसूरी एक अच्छी जगह है, अच्छा पर्यटक स्थल है।